नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आम जनता के लिए कई योजनाओं की घोषणा करते हैं जिससे आम जनता और गरीबों को उनका लाभ मिल सके, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और वार्ड पार्षदों की वजह से गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जिससे उनके सपने तक अधूरे रह जाते हैं। वहीं सरकार को ऐसे लापरवाह भ्रष्ट पार्षदों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गरीबों को उनका हक मिल पाएगा। जनाक्रोश में इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बेगूसराय के बलिया नगर पंचायत के कई वार्डों में शौचालय निर्माण और इंदिरा आवास योजना को लेकर कमीशन का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलता है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार सरकार भले ही राज्य में व्याप्त गरीबी को मिटाना चाहती हो, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग धीरे धीरे दीमक की तरह गरीबों को मिटाने में लगे हैं। बिहार में शौचालय निर्माण और इंदिरा आवास योजना को लेकर कमीशन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। मामला बेगूसराय के बलिया नगर पंचायत का है, जहां आरोप ये लगाया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक योजनाओं के लाभुकों से इंदिरा आवास में कमीशन 35 से 40 हजार रुपए तो शौचालय के लिए 2 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं नगर पंचायत को, और आप मेरी आवाज को आगे बढ़ाइए कि गरीब जनता को सही में उसको आवास और रहने का नाला पानी रोड बिजली जो भी सुविधा है उसको मिले। ये सब ऑफिस में तमाम नगर पंचायत में दलाली का फेरा, पैखाना में घुस चल रहा है, इंदिरा आवास में घुस चल रहा है, ये तो लीला है। किसके नजदीक रोना सुनाएगी, तो नीचा से ऊपर तक देखते हैं कि जहां देखते हैं वही लीला बीत रहा है। एक भी आदमी गलत का आवाज उठाने की नहीं है। पुलिस की 35 हजार रुपया देने के लिए। अच्छा, तो 35 हजार हम लोग के पास कहां से आएगा? तो 8.5 हजार रुपया दिए, बोले कि थोड़ा और मिलेगा तो ले लीजिएगा, घर बनेगा। अभी तक नहीं मिला है ना। शौचालय वाला में कितना पैसा लिया है? 2 हजार लिए। वो भी शंकर जी लिए है। यूं तो सरकार की ओर से गरीबों के लिए मुफ्त शौचालय और आवास का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत में इन सपनों में गरीबों की जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही है। कौन मांगता है, क्या कहता है? पहले 10 हजार रुपए तब पास करेंगे। जब न्यूज इंडिया संवाददाता ने SDO से इस बारे में बात की तो पूरे मामले से वो अनजान बनते नजर आए और जांच की बात भी कही। संज्ञान में नहीं आया है, आप जिसे बता रहे हैं कि उनका ऐसा भी मामला रहता है कि कभी कभी उनका लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण गलत भी आरोप आता है, लेकिन यह जांच का विषय है कि उसको जांच करके हम अविलंब कार्रवाई करें। देश और राज्य सरकार गरीबों के लिए योजनाओं की घोषणा तो करती है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गरीब जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सजा देने की दरकार है। बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शायद कोई दूसरे ग्रह का ही व्यक्ति होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि सरकारी व्यवस्था में कोई काम करवाने के लिए कमीशन तय रहता है और उसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद, तमाम दावों, घोषणाओं और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बावजूद इस गोरख धंधे पर रोक लगाने में सरकार क्यों नाकाम रहती है और क्यों गरीबों की हकमारी खुलेआम होती है? इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन मुद्दों पर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी चंद्रप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार दीपक जी। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि नेताओं की मंशा के ऊपर शक किया जा सकता है, क्योंकि
भ्रष्ट है नेता, परंतु यहाँ तो पूरी तरह से दिख रहा है कि अधिकारी भ्रष्ट है। शासन प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है परंतु अधिकारी भ्रष्ट है, पैसा मांग रहे हैं गरीबों से। और क्या इस प्रकार से सरकार बनाएगी शौचालय? नहीं, आपको बताता हूँ दीपक जी, 2022 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा कर रखी है कि हम हर गरीब को मकान देंगे, परंतु बड़े दुख की बात है राजस्थान के टोंक में लगभग 2000 के करीब फार्म जिन्होंने आस लगा रखी थी कि हमारे को मकान मिल जाएगा, उनके जो फार्म थे वो गंदे नाले में फेंक दिया। किन्होंने फेंके? अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने। दीपक जी, जब प्रशासनिक अधिकारी अपनी पर आता है तो इस प्रकार ही कार्रवाई होती है। क्या 2022 तक इस तरह से गरीब आदमी को मकान मिलेगा? नहीं। प्रधानमंत्री की मंशा पे संदेह करना, भगवान के ऊपर संदेह करना, नीतीश कुमार की मंशा के ऊपर संदेह करना, भगवान पे संदेह करना, क्योंकि नीतीश कुमार तो कर नहीं रहे, कर तो प्रशासनिक अधिकारी रहे। नीतीश कुमार अपना दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब 2022 तक हर गरीब को मकान के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी वाणी में सत्यता है, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि 2022 तक गरीब। लेकिन अधिकारियों का क्या चंद्र प्रकाश जी, उनकी नैतिकता का क्या? नैतिकता है ही नहीं ना दीपक जी, नैतिकता हो तो फिर इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों? 2000 रुपए और 10000 रुपए क्यों मांगे जाए? दुखद स्थिति है। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। अज्ञानतावश लोग इस तरह का दुराचार करें तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी गरीबों की हकमारी करने में लगे हैं। पटना से एक दर्शक देवेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार दीपक जी। जी बोलिए। कहना यह है कि सरकार घोषणा करती है, सरकार योजना बनाती है जी, और इधर कमीशन का खेल होता है, तो इससे सरकार वंचित नहीं है, मैं यही जानता हूँ। अगर सरकार इस पर मैंने तत्पर रहे, कमीशन लेने वाले की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन चूंकि जो भी सिस्टम है वो सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक गड़बड़ है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ नीचे का सिस्टम गड़बड़ है, अकेले जो है नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस योजना आवास योजना में शौचालय में इस सब में कमीशन का क्या कोई सर्कुलर है, या सरकार इस बात को कहे कि हाँ बिना कमीशन दिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यही घोषित कर दे जी। इसलिए सरकार को इस पर मैंने लेना होगा एक्शन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद देवेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सरकार क्या एक्शन ले, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि तमाम प्रावधान पहले से तय हैं, भ्रष्ट आचरण को लेकर कठोर कदम उठाए जाने की बात कही जाती है, इस बाबत सजा का भी प्रावधान है, पर क्या कुछ बदलेगा? शिव कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम तो कहते हैं सर, जितना लाभ उठा रहे हैं जी, उस पर एक अगर जो CBI जांच इंक्वायरी बैठ जाए, सौ में से 30 वो घर निकलेगा फर्जी जी, ये तो हम पक्का कहते हैं सर। यानी कि 30 लोगों की पहले ही हकमारी कर गई और फिर दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लाभ तो बहुत पहुंचाया जा रहा है जी। धन्यवाद शिव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जी खा रहे हैं कुछ कहेंगे, हर घर 30,000-40,000 घर पीछे खा रहे हैं। धन्यवाद शिव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बात है, सभी जानते हैं कि कमीशन सेट है हर मामले में, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद दावा किया जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जबकि गरीबों की ही हक मारी की जाती है, गरीबों के लिए आई योजनाओं से अपनी जेब गर्म करने में अधिकारी जुटे रहते हैं। और शायद ही कोई ऐसा होगा इस तंत्र में शामिल जिसे इस गोरख धंधे का पता नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इस पर रोक लगाना बेहद मुश्किल है। अपने चहेतों को योजना का लाभ दिलाना, सही लोगों
को दूर रखना। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बोलिए। हम तो यही कहेंगे त्राही माम हो रहा है। हम पूछते हैं कि घर के रखवाला हम मिस्टर नीतीश कुमार जी को बनाया है जी, एनीबॉडी किसी भी पर्सन को बनाया है, घर में चोरी हो रहा है, चोरी का जवाब सही कौन लेगा जी? यदि जिस घर से हम प्रधान हैं, हमारे घर में 50 आदमी है चोरी कर रहा है, इसका मतलब मुख्य रूप से तो हम है जी। हमें क्षमता नहीं है उसको रोकने का, जब क्षमता नहीं है तो वहां से फालतू का दिन बने हुए कि हम बहुत सुशासन बाबू है। ये कौन सा तरीका है कि पूरे देश में त्राही माम हो रहा है? हम नगर के चुनाव के बारे में सुने थे कि पूरा शहर में चूहा काट रहा था, जादूगर आया सबको लेकर चला गया, अब कौन सा जादूगर लाया जाएगा जी? और क्या कहें सर? धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, लोगों को भी सरकारी व्यवस्था में शामिल लोगों को ये आभास दिलाना होगा कि वो उनका काम करने के लिए हैं, अपनी जेब गर्म करने के लिए नहीं हैं। लोगों की आमदनी से कटा टैक्स उनके वेतन के लिए, भुगतान के लिए जाता है और वेतन लेने के बावजूद सरकारी कर्मचारी इस तरह से कमीशन के धंधे में संलिप्त बताए जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी बनेगी, व्यवस्था संचालन की जिम्मेदारी उनकी है। राजकुमार गुप्ता एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है राजकुमार जी, आपकी आवाज, बोलिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। जी बोलिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? एंकर महोदय, मेरा कहना साफ साफ शब्दों में कहना यही है जी कि वो नेता हो या प्रदेश के मुखिया हो या देश के मुखिया हो, जो हमारे सिस्टम में होता आ रहा है जी, या ऑफिसर हो, सिस्टम के रेस्ट लोग जो आते हैं जी, वो सारे लोग हर एक्टिविटी से वाकिफ होते हैं, क्योंकि वो सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं या नहीं भी करते हैं तो वो दुनियादारी से वाकिफ हैं कि हर टेबल पर या तो पैसा दीजिए या तो खुशामत कीजिए या मैंने किसी न किसी प्रकार अगले को लाभान्वित कीजिए, तभी आपका काम संभव है। जो अभी तक मैं देखते आया हूँ, शायद हमारा सोच गलत हो, बट मैं दावे के साथ कहूंगा कि यही होता आया रहा है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, चाहे कोई कैसे कह सकता है कि सिर्फ सिस्टम के मैंने प्रशासनिक लोग ही जो है कि दोषी है? मैं तो कहता हूँ कि तमाम टॉप टू बॉटम सारे के सारे लोग दोषी हैं और सारे के सारे लोग जानते हैं। कुर्सी पर बैठ जाने के बाद सिर्फ गरीबों का जो है ना नाम बेचते हैं, स्वार्थ उनका अपना रहता है, अपना घर भरने का रहता है, अपने लोगों को नौकरी देने की मंशा होती है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सारा जनता समझती है। ऐसा बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं वो कर रहा है, मैं नहीं किया। आज के डेट में मैं कहता हूँ कि जबकि सारा चीज जनता ही का है, घर का मालिक, घर का मुखिया को पता क्या नहीं है? हर चीज पता है। जब आप इतने ही अनेबल है, एक्टिव है और ऑनेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही आदमी जो है ना, और मैं दावा करता हूँ कि 95% सिस्टम में जो इनको सरकार कहते हैं, जिन पर जनता विश्वास करती है, जिनको जनता विश्वास करके सत्ता चलाने का मौका देती है, 95% लोग मैं दावे के साथ कहता हूँ कि करप्ट और भ्रष्ट है। मात्र 5% ही ईमानदार ऑनेस्ट है, जिनको दरकिनारा कर दिया गया है जी। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमीशन का खेल
सरकारी दफ्तरों में खुलेआम खेला जाता है और कोई इस भ्रष्टाचार की काली कमाई को रोक लगाने में सक्षम नहीं दिख रहा। राजकुमार गुप्ता पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर मुद्दा तो बहुत गंभीर है जी, मगर क्या बोले हम इस पे। नीतीश कुमार जी तो जहाँ तक होता है सही करते हैं। जी लेकिन कमीशन से लोगों को छुटकारा कैसे मिले, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद राजकुमार जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गरीबों के लिए बनी योजनाओं में कमीशन का खेल खेला जाता है, योजना के लिए गठित राशि गरीबों तक नहीं पहुंचती और इस वजह से उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रहीस सिंह पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी रहीस सिंह जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा कहना है कि हमारे देश के जो पथ प्रदर्शक हैं वही चोर हैं। अभी कीर्ति आजाद में जाने जो बीजेपी के एमपी हैं, वो खुद आरोप लगाते हैं देश के वित्त मंत्री पर कि चार जी। चलिए संभवतः संपर्क टूट गया, बहरहाल धन्यवाद रहीस जी अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमीशन का खेल खुलेआम सरकारी दफ्तरों में खेला जाता है, गरीबों की हकमारी होती है और गरीबों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार शायद सब जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठी रहती है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के इच्छुक हैं तो हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आफताब एक दर्शक जुड़े हुए हैं मुंगेर से। जी आफताब जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बार बार बोला जाता है कि जो जिसको लूटने के लिए ईमानदार वही है जिसको लूटने के लिए नहीं मिला, जिसको जिम्मेदारी नहीं मिला जी। और समझ गए होता क्या है, हिंदुस्तान में टोटल डिपार्टमेंट सब जगह करप्शन भरा हुआ है। अभी आप जुडिशियरी में देखिए, जज के सामने पेशकार पैसा लेता है। अगर आप लोग इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन कीजिए तो सच्चाई सामने जाएगी। तब जब जहां इंसाफ मिलता है वहां पेशकार पैसा खा रहा है तो हम लोगों क्या किसको क्या बोलेगा। इसमें कोई ऑफिसर को इसमें बेमान नहीं है, हम बेमान है, आप बेमान है, पूरा सिस्टम बेमान है। जिसको मिल गया पोस्ट वही बेमान है, ये सच्चाई है। हम दूसरे को क्या दोष दें, हम उसको क्या दोष दें, अपने पर सबको देखना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं हम ही को जगह मिल जाएगा करने के लिए ना, तो हम ही 2 मिनट नहीं लगेगा लोगों को लूटने में। ये सच्चाई है हिंदुस्तान का,
हर आदमी इसी तरीके का। जी धन्यवाद आफ्ताब जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जिसे जहां मौका मिलता है वो हाथ साफ कर डालता है और सिर्फ अपनी सोचता है। सुबोध कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सुबोध जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना है सर कि ब्लॉक हो या किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, किसी भी काम को करवाना आपको है तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है जी। चाहे किसी भी काम को आप उठाकर ले लीजिए, जमीन से लेकर के सरकारी जितना भी फंड है सब का बंदरबाज ही लोग करते हैं और ऊपर के सीनियर अधिकारी भी मिले रहते हैं। ये सब तो झूठ मूठ तो एक ड्रामा ही लोग करते हैं कि शिकायत ये बड़े पदाधिकारियों के पास कार्रवाई होगा। एक दो लोगों पर कभी कदार उनके निजी कोई रहते हैं तो कार्रवाई हो जाता है, नहीं तो आमतौर पर कार्रवाई का या शिकायत करने पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है जी। सारे लोग मिले जुले हैं ऊपर से लेकर के नीचे लोग, बिना ऊपर वाले के दिशा निर्देश के नीचे वाले कोई पदाधिकारी को घूस लेने की शक्ति नहीं है। धन्यवाद सुबोध जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर अगर आप भी इसके भुक्तभोगी हैं तो उस बारे में भी आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।